ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅಂಕಿತ್ ಬಯ್ಯನ್ ಪುರಿಯ ಜೊತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ, ಕೇವಲ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸ್ವತ್ ಭಾರತ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆತ್ತಾ ಸಮಯ चार से पांच घंटे आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो. मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा के दिन के लिए जितना चाहिए. लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं. दो चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है. एक खाने का टाइमिंग और दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूं. मां देश को सुलाने के लिए आपको जागना पड़ता है. आपने ये जो सोशल मीडिया का कैसे पॉजिटिव उपयोग होता है, ये परफेक्ट एग्जांपल आपने दिया है. और मैंने देखा है कि आपके कारण काफी नौजवान भी जो हैं और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे, वे भी अब तो आप हमारी चीजों को फॉलो करते हैं. मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी मां का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था और उसमें मेरी मां सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है वो भी उसका जिम है. इतना इफेक्टिव बना है. अब आपसे मिलने का सपना था वो पूरा हो गया. देख ले सर, G20 वाला सम्मेलन देखा. हाँ, मतलब वो व्यवस्था देख कर, मतलब वो सब इंडिया में होते हुए देख कर, मतलब हर भारतीय ने बहुत गर्व होया इस चीज पे कि भाई आपने देखा होगा. हाँ जी, जो भारत मंडपम बना है जी, उसमें भी एक पूरा दीवार जी हमने योगा का बनाया है और वहां भी QR कोड लगाया है कि कोई उसको मोबाइल पे ले लेगा तो उसको उस आसन का क्या फायदा होता है, कैसे करना है, उसका पूरा डिटेल मिल जाता है. और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था. हाँ, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स पे, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फोन कराया करते प्लेयर के पास और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई, खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है. आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें पांच रूल फॉलो करने लग रहे हैं. एक तो दो टाइम वर्कआउट हो, उसमें दो टाइम होना चाहिए. हाँ, दो टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक इंडोर हो एक आउटडोर हो. दोनों आउटडोर होता तब भी कोई दिक्कत नहीं. दूसरा 4 लीटर पानी, एक बुक पढ़नी है 10 पेज कोई भी बुक हो उसमें मैं अपने पुराण पढ़ने लग रहा हूँ. अच्छा, पहले श्रीमद भागवत गीता पढ़ी थी, इव शिव पुराण पढ़ने लग रहा. और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है. और चौथा बनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी थी. नहीं, अच्छा है इसके लिए एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है. परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो, तो एक अच्छा वातावरण से भी. चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप. बहुत आगे बढ़िया. प्रधानमंत्री मोदी अवर स्वच्छता अभियान देशदाद्यंत राजकीय नायकरु सक्रियवागी पाल्गोंड्रु. ताजा सुद्दिगागि TV24 न्यूज के सब्सक्राइब माडि मत्तु बेल आइकन ओत्ति तप्पदे लिंक शेर माडि.